ग्यारसपुर तहसील में बीती रात भारी बारिश के चलते किसानों की धान की फसल हुई बर्बाद। ग्यारसपुर तहसील में बीती रात भारी बारिश के चलते किसानों की धान की फसलें बारिश में बह गईं। किसान मुन्नालाल कुशवाहा निवासी सुंतला ग्यारसपुर ने बताया कि देर रात से हो रही बारिश के चलते तालाब की मोरी खुली हुई है, जिसके चलते हमारी 50 से 60% फसलें 15 से 20 बीघा खेत की पानी में बहाव में बह गई। वहीं सचिन कुशवाहा किसान ने बताया कि उनकी भी भारी बारिश के चलते धान की फसल चौपट हो गई है। ग्यारसपुर क्षेत्र में लगातार देर रात से बारिश हो रही है, जिससे फसलें खराब हो गई हैं। क्या नाम है, कौन से गांव से हो और क्या कारण रहा आपकी फसल बर्बाद का? मेरा नाम सचिन कुशवाहा है, मैं ग्राम ग्यारसपुर सुंतला मोहल्ला का रहने वाला हूँ। मैंने फसल बोई थी यहाँ पे धान, लेकिन ये तलाकी पार बन रही थी और मोरी बन रही थी उसकी, तो इस बार काम पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से पूरी फसल आप देख सकते हो, यहाँ से नदी पुर गई है, खेत में से पानी आ रहा है, पूरी फसल नष्ट हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खेत नष्ट हो चुका है, पूरी फसलें खराब हो गई हैं। कितने क्या बीघा में फसल लगाई थी? इसमें 5 बीघा है और ये मतलब पूरा 10-15 बीघा के आसपास ये 2-3 किसानों की है, पूरी फसल नष्ट हो गई है। ये मेन कारण क्या रहा फसल होने का, नष्ट होने का? यही पानी, इसकी मोरी नहीं बन पाई, इस वजह से पानी खेत में से आ गया। क्या नाम है, कौन से गांव से हो और ये आपकी फसल चौपट हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते, क्या कारण है आपकी फसल बेकार हो गई, बताएं क्या नाम कहां से हो? मेरा नाम टीपू है, सिंधला का रहने वाला हूं, ग्यारसपुर। ये तालाब के वो पार नहीं बनने के कारण तो खेत में से पूरा पानी खेत में से आ रहा है, वो धान बोली है तो वो बह गई। कितनी का फसल बह गई आपकी? लगभग कम से कम 20 बीघा में बोली है धान, तो उसमें से समझो आधी तो बह गई। 50% नुकसान है? हाँ, 50% धान बह चुकी है हमारी। अच्छा, क्या कारण रहा है इसका, मेन कारण क्या रहा आपकी फसल बर्बाद? मेन कारण तालाब की पार ना बनने का कारण रहा।